प्रोफेसर इतिहास विभाग डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग इटली में फासिज्म के उदय की चर्चा करेंगे। इस चर्चा को करने के पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि फासिज्म आखिर क्या है या कौन सी विचारधारा है तथा वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में इसका क्या महत्व है। फासिज्म शब्द का उदय इटली में हुआ था। मुसोलिनी ने जिस विचारधारा के आधार पर अपनी अधिनायकवादी शक्तियों के द्वारा शासन किया था, जिसमें एक व्यक्ति, एक दल और एक राष्ट्र, यानी उसमें विपक्ष का कोई स्थान नहीं था, यह लोकतंत्र एक आभासी लोकतंत्र था। यद्यपि मुसोलिनी भी चुन करके आया था चुनाव के द्वारा, लेकिन विपक्ष को वह बिल्कुल शासन व्यवस्था में स्थान नहीं देता था। अब हम देखेंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इटली में फासिज्म का उदय हुआ था। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को वो स्थान नहीं मिला या वो लाभ नहीं मिला जो इटली चाहता था। वास्तव में प्रादेशिक लाभ यानी कुछ क्षेत्रों की प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर के ही इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रविष्ट हुआ। 1915 ईस्वी की लंदन की गुप्त संधि के अनुसार भी मित्र राष्ट्रों ने इटली को कई भूभागों पर, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के कई भूभागों पर अधिकार दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन पेरिस के शांति सम्मेलन से उसको बहुत निराशा हुई थी। परंतु इसके साथ ये भी है कि युद्ध में इटली को काफी नुकसान हुआ था, उस पर विदेशी कर्ज का भारी बोझ लद गया था, देश के उद्योग धंधे तथा व्यवसाय ठप पड़ गए थे, बेकारी की समस्या ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस दुर्दशा में चारों तरफ से सामाजिक अशांति और नैतिक पतन की ज्वाला प्रगट हो रही थी। कई तरह के राजनीतिक दल सक्रिय हो उठे थे। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी ने आम जनता के बीच विद्रोह की आग भड़का दिया और जगह जगह तोड़फोड़, हड़ताल होने लगे। इन परिस्थितियों में साम्यवादी दल का भी प्रभाव बढ़ने लगा था। देहात में कृषकों ने भी जमींदारों की परती जमीन पर अधिकार कर लिया। इस अराजकतापूर्ण वातावरण में इटली के जो संपत्तिशाली वर्ग थे उनको चिंता होने लगी, चाहे वो जमींदार वर्ग हो, धनी वर्ग हो, व्यवसायी वर्ग हो, भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारी वर्ग हो तथा बुद्धिजीवी हो। उनका ध्येय था कि इटली में जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए और एक नई शासन व्यवस्था स्थापित किया जाए, एक नए नेतृत्व में जो इस अराजक परिस्थिति से इटली को निकाल सके। इन्हीं परिस्थितियों में हम देखते हैं कि इटली एक अधिनायकवादी शक्ति के नेतृत्व में चला जाता है। इन अराजक परिस्थितियों में जो बहुत सारे संगठन, राजनीतिक संगठन खड़े हो रहे थे, उसी में एक संगठन फेसियो था। फेसियो एक आंदोलन के तौर पर अपना रूप धारण कर रहा था। वह एक योग्य नेता की तलाश में था और जल्द ही उसे बेनिटो मुसोलिनी के रूप में एक योग्य नेता मिल गया। शुरू में मुसोलिनी वामपंथी विचारधारा का था और इटालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही उसकी विचारधारा बदल गई और वह घोर उग्र राष्ट्रवादी बन गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात वो फेसियो आंदोलन में काफी सक्रिय रहा था और जब इटली के सभी बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों में फेसियोस का जाल बिछ गया और उनके सिद्धांत फासिस्ट सिद्धांत के तौर पर जाने गए, मुसोलिनी ने अपनी पूरी शक्ति फासिस्टों को संगठित करने में लगा दी। 1921 के चुनाव में फासिस्ट दल के 35 सदस्य इटालियन पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित। 1922 ईस्वी तक इटली में 2500 से अधिक फेसियो स्थापित हो चुके थे। इस समय तक आते आते मुसोलिनी फेसियो दल के नेतृत्वकर्ता के तौर पर वह इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो गया था। सरकार भी उसके विरोध में कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरकार और जो वहां का बुर्जुआ वर्ग था वह उसके कम्युनिस्ट विरोधी कार्यों से काफी प्रसन्न थे, उसकी उपेक्षा करते थे चाहे वो तोड़फोड़ या कुछ गलत काम भी करता था।
इन्हीं सरकार इसी तरह से सरकार की निष्क्रियता तथा कम्युनिस्टों के विरोध के चलते जो वहां उसको समर्थन मिल रहा था, उसने अक्टूबर 1922 में सरकार को खत्म करके अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया और वह इटली का प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते ही मुसोलिनी ने राज्य की समस्त सत्ता अपने हाथों में केंद्रित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम संसद को धमकाकर एक वर्ष के लिए उसने संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिए और शासन के समस्त विरोधी तत्वों को निकालकर प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने आदमी नियुक्त कर दिए। यद्यपि मुसोलिनी को संसद में बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन वह किसी विरोधी दल को संसद में देखना नहीं चाहता था। शीघ्र ही उसने विरोधी दलों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। विरोधी नेताओं को कैद कर लिया गया, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। फासिस्ट दल को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक दल तोड़ दिए गए। न्यायालय से जूरी पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा राजनीतिक अपराधियों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए। स्कूलों और कॉलेजों में फासिस्ट विचारधारा के आधार पर शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार अपने विरोधियों का दमन करके मुसोलिनी इटली का अधिनायक बन बैठा। अब वह इटली का सर्वशक्तिमान व्यक्ति था। अब कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकता था। 1928 में उसने निर्वाचन संबंधी एक नया कानून पास कराया, जिसके अनुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार करना फासिस्ट दल का काम हो गया और मतदाताओं को केवल इसी सूची के पक्ष या विपक्ष में अपना मत देने का अधिकार था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फासिस्ट व्यवस्था लोकतंत्र का एक आभासी रूप मात्र है। मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी का भी जबरदस्त संगठन किया। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पार्टी में उसकी प्रधानता बनी रही। राज्य के साथ पार्टी का अभिन्न संबंध कायम हुआ। नीचे से लेकर सर्वोच्च स्तर तक पार्टी की श्रृंखलाओं का एकीकरण किया गया तथा सबसे ऊपर निगरानी के लिए एक फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल बनाई। दल के प्रमुख 25 व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। सारे देश को फासिस्ट रंग में रंगने के लिए शिक्षा की पूरी व्यवस्था भी बदल दी। बच्चों के लिए फासिस्टवादी सिद्धांतों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए भी कई कार्य किए गए। हड़तालों और मजदूर यूनियनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इटली ने एक नवीन आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसको राष्ट्रीय सिंडिकलिज्म कहा गया। उसके अनुसार मजदूरों और मालिकों के संबंधों को ठीक करने और देश की आर्थिक दशा उन्नत करने के लिए मुसोलिनी ने एक कानून के द्वारा 1926 ईस्वी में मिल मालिकों और मजदूरों की सिंडिकेटों की रचना की। इन सिंडिकेटों की संख्या 13 थी, जिनमें 6 पूंजीपतियों के राष्ट्रीय सिंडिकेट थे, 6 मजदूरों के सिंडिकेट थे तथा 1 सिंडिकेट डॉक्टरों और वकीलों का था। इन सब का नियंत्रण एक मंत्री द्वारा किया जाता था। मिल मालिकों और मजदूरों के झगड़ों का फैसला करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। सिंडिकेट ही मजदूरी की दर, काम करने के घंटे, सवैतनिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, चोट लगने या अपाहिज होने पर हटाए जाने की रकम आदि निर्धारित करते थे। इन सब के लिए श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं कि इटली में फासिज्म बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में कायम हो गया तथा उसके विरुद्ध कोई विपक्ष नहीं रहा और उसका अधिनायकवादी इटली में एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था कायम हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मुसोलिनी की सफलता के कारण क्या थे? इटली की जनता ने क्यों इतने बड़े पैमाने पर उसको समर्थन दिया? तो जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि इटली में जब मुसोलिनी का उदय हुआ, फासिज्म व्यवस्था कायम हुई, उस समय इटली अराजकता की स्थिति में गुजर रहा था। और कहा भी गया है कि जब जब शासन व्यवस्था में अव्यवस्था आती है, एक शासन व्यवस्था फेल होती है, तो वहां पर तानाशाही व्यवस्था या फासिस्ट व्यवस्था का निर्माण हो ही जाता है। पेरिस के सम्मेलन में इटली को वो लाभ नहीं मिला था जिसका इटली दावा करता था। इसके साथ ही आर्थिक दुर्दशा का भी कोई उपाय इटली की तत्कालीन सरकार नहीं निकाल पा रही थी और एक दुर्बल सरकार के कारण ही इटली को अपमानित होना पड़ा था, ऐसा जनता में विश्वास था। अतः मुसोलिनी ने जब नारा दिया कि हम राष्ट्र को चोटी पर पहुंचा सकते हैं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं, राष्ट्रीय अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो पूरी जनता मुसोलिनी के नेतृत्व में आगे आ गई। दूसरा कारण है कि इटली की सामाजिक संरचना भी मुसोलिनी के उदय का प्रमुख कारण थी। आर्थिक साधनों और राष्ट्रीय संपदा पर केवल कुछ लोगों का अधिकार था,
युद्ध के बाद निम्न वर्गों के द्वारा इस एकाधिकार को अधिकाधिक चुनौती दी जा रही थी। युद्ध में भयंकर क्षति के कारण ऋण के भार से इटली ग्रस्त हो गया था। सिक्कों का बार बार अवमूल्यन करना पड़ा और मुद्रा स्फीति ने आर्थिक व्यवस्था का दबोच लिया। अनेक कारखानों के बंद हो जाने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और अपदस्थ सैनिक भी बिना काम काज के हो गए। इस प्रकार शहरों तथा गाँव में बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आर्थिक संकट से पीड़ित ऐसे सभी तत्वों को इटली कम्युनिस्ट पार्टी ने संगठित करना प्रारंभ किया। इस कारण इटली में सामाजिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। इसी संभावना से आतंकित होकर परंपरागत इटालवी अर्थव्यवस्था के निहित स्वार्थ अर्थात पूंजीपति और जमींदारों ने मुसोलिनी का समर्थन शुरू कर दिया, क्योंकि अब वे अपने को सोवियत संघ की तरह एक बोल्शेविक क्रांति का सामना नहीं करना चाहते थे। मुसोलिनी को सभी निहित स्वार्थों और प्रतिक्रियावादी तत्वों का अपूर्व समर्थन मिला और इसी समर्थन के बलबूते पर उसने अपनी सत्ता का अधिग्रहण किया। धन्यवाद।